कोरोना महामारी ने कई बेहतरीन कलाकारों को बॉलीवुड से छीन लिया है। हाल ही में रश्मि रॉकेट के एडिटर अजय का निधन हुआ और अब हिंदी और भोजपुरी इंडस्ट्री में काम कर चुकी एक्ट्रेस श्रीपदा का निधन हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से श्रीपदा इस दुनिया को अलविदा कहकर चली गई हैं। उन्होंने बुधवार को आखिरी सांस ली। श्रीपदा के निधन की खबर सिन्टा के जनरल सेक्रेटरी अमित बहल ने कन्फर्म की है। अमित बहल ने श्रीपदा के निधन की खबर की पुष्टि करते हुए कहा, कोरोना वायरस की दूसरी लहर कई अनमोल जिंदगियों की जान ले चुकी है। मीडिया में जिन लोगों के निधन के बारे में लिखा जा चुका है उसे दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रीपदा हमारी फर्टिनिटी की सीनियर मेंबर थी। श्रीपदा के काम के बारे में बात करते हुए अमित बहल ने कहा, वो कई सालों से काम कर रही हैं, लगभग 68 फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साउथ में भी शानदार काम किया है। ये बहुत दुख की बात है कि हमने इतने सीनियर कलाकार को खो दिया है। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, साथ ही हम प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना की दूसरी लहर और कई खास लोगों को अपने साथ ना ले जाए। श्रीपदा के साथ फिल्म हम तो हो ही गए त्यौहार में काम कर चुके एक्टर रवि किशन ने कहा, बहुत दुख की बात है, वो मेरी को आर्टिस्ट थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, भगवान उनके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे। श्रीपदा ने अपने करियर की शुरुआत 1978 में आई फिल्म पुराना पुरुष धर्म संकट से की थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ वो लीड रोल में नजर आई थी। वो गुलशन कुमार की फिल्म बेवफा सनम और धर्मेंद्र के साथ आजमाइश में काम कर चुकी हैं। वो 1993 में कई टीवी शो में गेस्ट अपीयरेंस भी कर चुकी हैं।